बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे सिंपल एग पुडिंग की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतनी मज़ेदार बनके ये रेडी होगी और ये मिनटों में बनके आप पुडिंग को रेडी कर सकते हैं। अगर कुछ इंस्टेंट मीठा खाने का दिल चाह रहा हो या फिर कुछ गेट टू गैदरिंग हो घर में, तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये आइडियल रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं, 3 अदद हमने अंडे ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पे पिस्ते ले लिए हैं जिनको हमने चॉप किया हुआ है। इसमें बारीक चॉप भी हैं और कुछ मोटे मोटे चॉप किए हुए हैं। यहाँ पे 4 टेबल स्पून भर के हमने चीनी ली है। ये कुछ ज़ाफ़रान जिसे केसर भी कहते हैं, वो हमने कुछ दागे लिए हैं। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर हमने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। एक गिलास हमने दूध लिया है। एक गिलास का मतलब 250 ग्राम, मतलब 1 पाव के करीब ये दूध है, वो हमने लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे है, गरम नहीं है दूध, ठीक है। एक यहाँ पे हम बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम सब ऐड कर देंगे एग। अच्छा, ये अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल आप इस तरीके से करेंगे। 6 अंडे लेंगे तो यहाँ पे आधा किलो दूध ऐड होगा और 1 किलो के लिए हम 12 अंडे लेंगे और सब क्वांटिटी आप डबल कर लीजिएगा। चीनी ये इक्वल नॉर्मल है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस है। यहाँ पे अंडे के अंदर हमने चीनी ऐड कर दी है, पिसी हुई इलायची ऐड कर दी है, पिसी हुई इलायची का ये पाउडर है, और यहाँ पे हम दूध ऐड कर देंगे जो हमने ग्लास में रखा हुआ था। इसको अच्छे तरीके से हमने फेंटना है। इसको इतना फेंटना है कि ये सब चीज़ें एक जान हो जाएं, और हमें इसको ओवर नहीं फेंटना। 1 से 2 मिनट के लिए हम फेंटेंगे और ये हमारे पास मिक्सचर बनके रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो ज़्यादा ही जल्दी हो आपको, तो आप इसको ब्लेंडर में भी बना कर रेडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम केसर ऐड कर देंगे। इसके कुछ दागे हम ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमने पूरे ऐड नहीं किए। इसको इसके अंदर क्या बहुत अच्छा सा कलर आएगा और अच्छी चीज़ खुशबू आएगी। अगर आपके पास नहीं है ना, तो यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून के बराबर जो जर्दे का कलर होता है या बिरयानी का कलर, ऑरेंज कलर होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 पिस्ते ऐड किए हैं, बाकी एंड में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक पैरिक की डिश ली हुई है, ये राउंड में है मेरे पास। आप चाहें जो भी आपके पास मोल हो या कोई भी ऐसी हो जो हीट प्रूफ हो, वो आप ऐड ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको एक तशले में भी बना के रेडी कर सकते हैं। जो कोई भी कटोरा हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पैरी के डिश को मैं अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। आप घी, बटर या ऑयल किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। इसको चारों तरफ से हम अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। इसके बाद ही हम ये बैटर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, ये ईज़िली निकल आएगा, चिपकेगा नहीं हमारी डिश से। तो ये स्टेप ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हम ऊपर से जो केसर के जो भी हमारे पास दागे बचे हुए थे, कुछ स्प्रिंकल इस स्टेज पे हम करेंगे, और एंड में हम यहाँ पे ऊपर से पिस्ता ऐड कर देंगे, क्योंकि पिस्ते मैंने और मज़ीद रोक लिए थे क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये इतना बैलेंस था। यहाँ पे हम स्टीमर की तरफ चलते हैं। ये स्टीम हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा एक पैन ले लेना है और इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी हमने ज़्यादा नहीं, 2 गिलास के बराबर ऐड किया, और बीच में हमने कटोरी रखी। आप चाहें तो कोई भी प्लेट हमें सिर्फ हाइट देनी है और उसको टच नहीं होना चाहिए, ना साइडों से टच होना चाहिए, ना ही ये पैन से ज़मीन नीचे से टच होना चाहिए। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, और पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसके ऊपर कोई सी भी एक प्लेट ढक देनी है जो भी इसके बराबर हो, और इसके ऊपर हम ढक देंगे, ताकि ये प्लेट हमने पहले इसलिए ढकी हुई है ताकि इसके अंदर कोई भी स्टीम का पानी ना जाए, वरना वो नहीं जमेगी। तो यहाँ पे 30 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। मैंने 35 मिनट के लिए छोड़ा था। तो ये देखें, ये इस स्टेज पे ये इस तरीके से रेडी हुई है। आप अपने मुताबिक चेक करते रहिएगा। अगर पानी कम हो जाए तो पानी आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो देखें, साइड से इसकी किनारियाँ छूटना स्टार्ट हो गई हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी हो गई है, और ये परफेक्ट जैसे कहते हैं ना, ये पुडिंग रेडी है। ये देखें, मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ कि ये रेडी है। यहाँ पे हमने कोई भी टूथपिक वगैरह डाल के नहीं चेक किया। अगर आप चाहें तो इसको टूथपिक से या किसी भी चीज़ से, नाइफ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट रेडी हुई है कि नहीं। जब ये ठंडी हो जाएगी, हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। जब हम रेस्ट देंगे तो ये मज़ीद डिमोल्ड होने में इजीली हमारे पास हो जाएगी, वरना ये टूट जाएगी। किनारों से हम अच्छे तरीके से इसको कट कर लेंगे और इस तरीके से हम डिमोल्ड कर देंगे हम अपनी ट्रे को, ताकि ये क्या टूटेगी नहीं। ये देखें, बिल्कुल ईज़िली ये डिमोल्ड हो चुकी है, ना ही ये बिल्कुल जमी है, बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई है, और ये आसानी से इस तरीके से निकल आएगी। इसी स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैंने किया है। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। और हमने जो ज़ाफ़रान ऊपर से डाला था स्प्रिंकल करके, उससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा ये एग पुडिंग। बहुत क्विक एंड ईजी डिज़र्ट है, बस इसको स्टीम में टाइम लगता है, बाकी इसको बनाना बहुत आसान है। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स आप बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।